अस्सलाम वालेकुम। आज हो गई 31 अक्टूबर और मैं हूँ रोड़ी स्टेशन पर मौजूद और अपनी छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद वापस आ गया हूँ अपनी ड्यूटी पे। और छुट्टी तो मैंने ली थी 6 दिन, मगर मुझे सिर्फ मुश्किल से 4 दिन छुट्टी मिली है। और कल मेरी छुट्टियाँ जो है वो पूरी हो गई थी, तो आज फिर मेरी 27 अप शालीमार एक्सप्रेस पर ड्यूटी लग गई है। और ट्रेन हमारी आ रही है 1.25 घंटा लेट, अभी कुछ ही देर में पहुँचेगी रोड़ी स्टेशन पर। एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था, फवाद हुसैन उनका नाम है। वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी 1 महीने के अंदर कितनी ड्यूटी होती है और किस किस हिसाब से ड्यूटी होती है। तो मैं उनको ये बताता हूँ, अगर मैं एक प्रॉपर लिंक पे चलता हूँ तो हमारे पूरे महीने का शेड्यूल बना होता है कि मैं जैसे आज मैं 27 अप लेके जा रहा हूँ, तो मैं कल खाने वाले से वापस 28 डाउन लेके आऊँगा, तो फिर मुझे एक फुल नाइट घर में रेस्ट मिलेगा और 2 दिन फिर नाइट जब आएगी तो फिर नाइट में हम यहाँ से फिर 10 डाउन लेके जाएंगे। और सुबह जब हम पहुँचते हैं कराची 9-10 बजे, उसी दिन शाम को मतलब रात को 9 बजे वहाँ से वापस रोड़ी से कराची से वापस फिर 1 अप खैबर मेल एक्सप्रेस लेके आते हैं। तो पूरे महीने का शेड्यूल बना होता है। एक ट्रेन जैसे मैं आज 27 अप वर्क कर रहा हूँ, तो अगर मैं एक प्रॉपर लिंक पे चलता हूँ तो फिर दोबारा मेरी ये ट्रेन बनेगी तकरीबन 34 से 35 दिन के बाद, दोबारा फिर मेरी इस ट्रेन पर ड्यूटी बनेगी एज़ पर लिंक। तो मेरे साथ ड्राइवर हैं आज मीर मोहम्मद साहब, इनके साथ मैं जाऊंगा 27 अप। असिस्टेंट ड्राइवर चले गए कल 27 अप लेके। ट्रेन पहुंच गई हमारे सामने 63-15 है पावर। चेक कर लिया है, पानी शॉर्ट है, अभी पानी भरना शुरू कर दिया है इन्होंने। मैं अभी व्हील एक्सल बॉक्स का टेम्परेचर चेक कर रहा था। नॉर्मल हालत में इसका टेम्परेचर होता है 44-45, इसकी गर्मी थोड़ी कम है इस वजह से। जब इसका एब नॉर्मल होता है, जैसे ये हॉट एक्सल हो जाता है तो फिर 100 से ऊपर हो जाता है इसका टेम्परेचर, फिर वो एब नॉर्मल में आ जाता है। अभी तो सही है टेम्परेचर। तो भैया ट्रेन हमारी चलने में 5 मिनट रह गए, ये पीछे चाचा जी आए मुसाफिर हैं इसी ट्रेन के, और अभी ये मुझे कह रहे थे कि टाइम थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। टाइम कवर थोड़ा बहुत हो सकता था अगर G40 होता, अच्छा, वो स्पीड बड़ी जल्दी बना लेता है। जी 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 जी। 4 मिनट के अंदर स्पीड बनानी होती है सही। तो ये अब आज देखते हैं कि जेड कितनी मिनट के अंदर अपनी 100 स्पीड बना लेता है। बेहतर करें कि उसको और इसको बेहतर से बेहतरी करें इंजन को, ताकि स्पीड, ताकि पब्लिक को जितनी सहूलत होगी उतनी बेहतरी होगी, बसों से जान छुटेगी। हाँ नहीं, हम तो अपनी तरफ रेलवे में फायदा होगा। हमारी कोशिश यही होती है कि हम ट्रेन को अपने टाइम पर पहुँचाएँ, मगर अब दो ढाई ढाई तीन तीन घंटे लेट होगी तो पब्लिक भी तंग हो जाती है। थोड़े बच्चे सहूलत के लिए आदमी सोचता है कि सहूलत जितनी होगी। सामने हमारा रेलवे का हॉस्पिटल है।
भाई अभी हम पास कर रहे हैं पन्नुआगल रेलवे स्टेशन और इस टाइम हो रहे हैं 4:24। अच्छे हो गए और अभी हम पहुंच रहे हैं रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पर और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे यहाँ पे मिलने आना है और टाइम हमारे पास बहुत कम है। मैंने सबसे पहले इंजन का जो है पानी चेक करना है, पानी स्टार्ट कर रहा था इंजन जब हमारी ट्रेन ये रोड़ी पहुंची तो अब पहले सबसे इंजन में मैं पानी चेक करूँगा वाटर लेवल ठीक है या नहीं, उसके बाद अपने फैन से मिलते हैं। स्टेशन पर और इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि यार रिजवान भाई कोई मसला नहीं, बड़े टाइम से दिल था रहीम यार में होता नहीं था, डिग्री कंप्लीट हुई है तो अब इधर ही होता हूँ। अब इधर ही है रहीम? हाँ जी हाँ जी, घर तो इधर ही है तो मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह की तरफ से कल ही बात हुई और आज आपकी गाड़ी लगी। हाँ मेरी वैसे कल बत्ती थी 20 हाँ जी, मैंने खुद ही कटवा दी क्योंकि मैं कल ही आया हूँ बाहुलपुर से फिर आज ये। और आप ठीक हैं? खैरियत से सब फिट है? आपसे यार बहुत यार आपसे भी मिलकर बड़ी खुशी हुई। याद रखना ज़रूर ज़रूर। तो भाई अभी हम पहुंच रहे हैं जहाँ पे मैं अपने दोस्त उस्मान भाई के साथ यहाँ आया था इस ब्रिज पे, तो हमने 42 को कवर किया था यहाँ से, 8 हमारी मिस हो गई थी। इस ब्रिज के लेफ्ट साइड पे ही वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने खाना खाया था, तो उस्मान भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने 2 हमें दिए बहावलपुर घुमाया, मगर हमने ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाया, बस यहाँ पे आके थोड़ा सा वीडियो हमने शूट की थी इसी जगह पे। तो अभी यहाँ से पास हो रहे हैं तो उस्मान भाई की याद आ गई हमें, अल्लाह उनको खुश रखे जहाँ रहें आबाद रहें।
तो 11:30 बजे पहुंच गए हम रनिंग रूम के अंदर। ड्राइवर साहब पहले ही पहुंच गए थे। अस्सलामुअलैकुम। अरे सर भी आए हैं क्या? जनाब अली, जनाब अली, क्या आप कब आए? अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं भाई? क्या हाल है? ठीक ठाक है। खुशी हुई आपसे मिलके। हमें भी खुशी हुई भाई। इनका तो मैं आपको तारुफ करा रहा हूँ। जब मैं लास्ट टाइम गया था मोहनजे दड़ो ट्रेन लेके, तो उनके साथ गया था। आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा। अभी ये मेल फिट हो गए, अभी कुछ ही दिन हुए इनको मेल फिट हुए। अभी LR कर रहे, लर्निंग रूट जो होता है उस पर उतरा है। सबका थैंक यू, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद। ठीक है सर, अभी जा रहे हैं 6 राउंड पे। जी 6 राउंड। और ये हमारे बहुत ही प्यारे ड्राइवर स्वीपी भाई, ये जाएंगे अभी 6 राउंड लेके। सुबह 5 अप लेके आए थे, तो अभी वापस जाएंगे 6 राउंड लेके। और इनके साथ है बहुत ही खूबसूरत हमारे रियान शरीफ। रियान शरीफ में खानपुर गए हैं दोनों। स्वीपी भाई तो भावलपुर शिफ्ट हो गए। शहर के साथ भावलपुर जबरदस्त शहर है। कल ही आया मैं भावलपुर से। ठीक है सर भाई, इनको सी ऑफ करने आ गया था हमारे सेफी भाई और रियान शरीफ और MP खाकी साहब को। अभी हमारी रोटियां भी तैयार हो रही हैं, तो रोटी वगैरह बना के खाना वाना खा के फिर सोएंगे इंशाल्लाह। हो गए क्या? 3 पेड़े बने? 4। एक तैयार हो रही है हमारी रोटी। रात के बजने वाले हैं 12 बज के, 12 बजे में 10 मिनट रह गए बस। अभी हम खा रहे हैं बैंगन आलू।